हाय फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्त आज की इस वीडियो में। ये मेरे पास में हीरो की बाइक है, HF डिलक्स BS6 फ्यूल इंजेक्टर बाइक। तो ये बाइक हो क्या रहा है, ये बाइक में जो है 5 से 10 किलोमीटर लगभग चलती है बाइक और रास्ते पे ही बंद हो जाती है। फिर जब कुछ समय रुको, फिर से स्टार्ट करो तो फिर से स्टार्ट होती है। तो भाई जो है सर्विस सेंटर पर दिखाए और उसके बाद जो है इनमें इस बाइक में जो है एक मोटा खर्च बता दिए। इसमें जो है फ्यूल पम्प चेंज होगा, तो इसमें जो है मोटा खर्च बता दिए हैं। तो ये जो है भाई मेरे पास लेकर आया है और इसे जो है मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो देखिएगा वीडियो में, आपके साथ कभी ये दिक्कत होती है या आपके वर्कशॉप पे ये दिक्कत आती है तो किस तरीके से आपको जो है सॉर्ट आउट करना है। तो सीधा मिलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर जो है मैं फ्यूल प्रेशर गेज जो है इस तरीके से फिटिंग कर लिया हूँ प्रॉपर तरीके से। और ये इसका फ्यूल पम्प का जो पेट्रोल पाइप है वो, और यहाँ पे इंजेक्टर में ये कनेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, हम इसका जो है इग्निशन ऑन करेंगे। तो मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, एक बार फिर से, और ये तीसरे बार। तो देख पा रहे हैं यहाँ प्रेशर जो है इसका डाउन हो रहा है, प्रेशर जो है 30 में जा रहा है और उसके बाद जो सीधा 0 हो जा रहा है। मतलब इसमें जो इसका जो फ्यूल पंप है उसमें जो चेक वाल लगा होता है वो चेक वाल जो है इसका ओपन है, जिसके खातिर जो है इसका जो प्रेशर है वो प्रॉपर तरीके से रुक नहीं रहा। जब हम ऑन करते हैं कि तो 30 में जाना चाहिए, और जब हम उसके बाद जो है इसका 30 में जाने के बाद जो है 20 में प्रेशर जो है रुक जाना चाहिए। तो इस बाइक में यही दिक्कत है। एक बार हम और आपको दिखा दें कि जो है मैं ऑन करूंगा तो ये 30 में गया, और देखते हैं इसका प्रेशर जो है पूरा रिलीज हो गया। तो यही वजह है इसका, देख पा रहे हैं ये पूरा 0 हो गया। तो यही वजह है इसका जो है, इसका जो फ्यूल पंप है वो प्रेशर बना रहा है पर जो है वो कहना चाहिए जो प्रेशर है वो रिलीज हो जा रहा है, वो ड्रॉप हो जा रहा है प्रेशर जो है। इसके वजह से जो है ये बाइक में दिक्कत है। तो इसका फ्यूल पंप हम ओपन करेंगे, उसके बाद देखते हैं। ये हीरो की बाइक में जो हमारे पास फर्स्ट टाइम में ये फॉल्ट आई हुई है। तो देखिएगा आप भी, इसमें जो है हम फ्यूल पंप इसका टंकी सारा ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है टंकी ओपन कर लिया हूँ, और ये रहा इसका पेट्रोल टैंक। अब हम इसका ये फ्यूल पंप ओपन करेंगे, और फ्यूल पंप ओपन करने के बाद देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो इसका फ्यूल पंप जो है बाहर आ गया है, देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये चेक वाल लगा हुआ है। जैसे कि मैं पहले की जो वीडियो है एक होंडा साइन का, उसमें मैं बताया था कि जो चेक वाल है वो जाम हो जाता है, जिससे जो है प्रेशर जो है ड्रॉप हो जाता है, फ्यूल पम्प का जो प्रेशर रहेगा वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि ये जो है फ्यूल पंप और ये जो पाइप है इंजेक्टर पाइप, उसके बीचों बीच में होता है ये, और कहना चाहिए जब प्रेशर हाई होगा तो ये जो है यहाँ से इस तरीके से वर्क करता है और ये वापस यहाँ से पेट्रोल जो है टंकी पे छोड़ देता है। तो ये जो है परमानेंट ये छोड़ रहा है, इसलिए जो है इसका प्रेशर जो है रुक नहीं रहा। तो देखते हैं, ये चेक वाल यहाँ से हमें ओपन करना होगा, यहाँ पर दिया गया है ये, और मैं ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जो है इस फ्यूल पंप से जो है ये चेक वाल जो है हटा दिया। ये जो है बीच का जो है कहना चाहिए, यहाँ से हमारा पेट्रोल जो है आता है और ये इस लाइन से जो है इंजेक्टर तक जाता है, तो ये बीच में जो है ये चेक वाल लगाया जाता है। तो ये इस तरीके से चेक वाल है, इसमें एक ये ओरिंग है, और यहाँ पर जो है स्प्रिंग, देख पा रहे हैं ये स्प्रिंग है यहाँ अंदर। तो ये जो है अभी हमें फिलहाल सर्विस सेंटर में मिलेगा, तो ये जो है हमें अभी टाइम लगेगा। तो मेरे पास में एक पुराना फ्यूल पंप रखा हुआ है, डिलक्सी का है ये। तो इसका जो वाल्व है, ये वाल्व जो है हम ये इसका ये फ्यूल पंप ख़राब है, ये पुराना वाला है ये। तो इसका जो वाल्व है, ये वाल्व हम इस फ्यूल पंप में फिटिंग करेंगे। और यहाँ पर जो है मैं मग में पेट्रोल लिया हूँ इस तरीके से, और इसका जो फ्यूल पंप है इस तरीके से रख दिया हूँ। और ये दूसरा चीज़, हमने ऐसे भी जो है फ्यूल प्रेशर जो गेज है, टेस्टिंग गेज, ऐसे भी हमने फंसा लिया है, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। और इसका जो है हम की ऑन करेंगे, तो देख पा रहे हैं इसका
30 गया और 20 में आके ऐसे रुक जाना चाहिए। तो देख पा रहे हैं ये जो है 20 में रुकने लगा। ये जो वाल है, ये वाल जो है रिटर्न वाल है, यहाँ से जो है कभी ये वाल फंस जाता है तो कचड़े के माध्यम से जो है फंसता है, तो उस रीज़न से जो है ये कहना चाहिए पेट्रोल जो है हमारा वापस टंकी के अंदर जो है चला जाता है, तो ये प्रेशर जो है रुकता नहीं। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं, अभी मैं एक बार और की ऑफ करके ऑन करूँगा, तो देख पा रहे हैं ये जो है 30 गया और 30 के बाद जो है 20 में आकर रुक गया। तो इस तरीके से जो है इस बाइक में दिक्कत थी। अब हम इस फ्यूल पंप को जो है टंकी में फिटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जो है फ्यूल पंप सारा कुछ इसमें फिट कर दिया है टंकी में जो है, और ये फ्यूल प्रेशर गेज भी हम कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमें से जो है इसका की जो है हमें ऑन करना होगा, एक बार, दो, तीन, और हम इसका प्रेशर चेक करेंगे। अब तो देख पा रहे हैं यहाँ जो है प्रेशर जो है 20 पे रुकने लगा, और ये जो है पहले जो क्या हो रहा था, ये जो प्रेशर है ये पूरा डाउन हो जा रहा था। तो अब इस बाइक को हम करेंगे स्टार्ट। तो ये बाइक जो है विदाउट सेल्फ है, किक लगाएंगे तो बाइक स्टार्ट हुई। बाइक को हल्का रेस करें, देख पा रहे हैं ये जो है थर्टी में जा रहा है, और बाइक को करेंगे बंद, फुल रेस ले रही बाइक, और ये 20 में जो है रुक गया। तो इस तरीके से जो है आप बाइक में जो है काम करें दोस्त, और इस तरीके से शॉर्ट आउट करें BS6 जो फ्यूल इंजेक्टर बाइक है उसमें। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए जानकारी के साथ।